कोर्ट के फैसले के अगले दिन फिर दिल्ली सरकार पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की शिकायत, केंद्र सरकार हमारे आदेश के बावजूद अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं कर रही है, केंद्र सरकार कोर्ट की अवमानना कर रही है, दिल्ली सरकार का यह आरोप है। मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए हुआ तैयार, तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। कल जहां सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया, जहां अधिकारियों के ट्रांसफर की जो शक्तियां थी, जो अधिकार थे, वो दिल्ली सरकार को दे दिए गए हैं, उसके बावजूद एक बार फिर से दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। और जिस तरह से फैसला आया उसे लेकर दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार हमारे आदेश के बावजूद अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं कर रही है, और इसी को लेकर केंद्र सरकार कोर्ट की अवमानना कर रही है, और इसे लेकर दिल्ली सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए तैयार। पीयूष हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए कल ऐतिहासिक फैसला आया, जहां अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर भी जो अधिकार थे, जो शक्तियां थी, वो दिल्ली सरकार को दी गई, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर पहुंच चुका है, क्योंकि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार कोर्ट की अवमानना कर रहा है, अधिकारियों के जो ट्रांसफर की भूमिका है वो नहीं दी जा रही है। तरीके से दिल्ली के एलजी की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, आमतौर पे पहले भी टकराव की जो खबरें हैं खासतौर पे कई फैसलों को लेकर वो आती रही हैं, ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी। और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके बाद भी कहीं ना कहीं विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चूंकि संविधान पीठ के फैसले के एक दिन बाद, यानी कि आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, और केजरीवाल सरकार ने ये आरोप लगाया है कि केंद्र अधिकारियों यानी कि सचिवों का जो ट्रांसफर है वो नहीं करने दे रहा है। और सबसे बड़ी खास बात है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की इस याचिका पर सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है, और सीसीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वो अगले हफ्ते एक बेंच का गठन करेंगे, और उस दौरान कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें, कल सुप्रीम कोर्ट ने काफी ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, और सीधे तौर पे कहा था कि केंद्र के जीएनसीडीटी अधिनियम 2021 संशोधन के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। और इस फैसले में सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं और प्रशासनिक से जुड़े हुए तमाम जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के पास होंगे, चुनी हुई सरकार के पास होंगे। हालांकि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार वो केंद्र के पास रहेगा। उसके बाद इस फैसले का स्वागत है खुद अरविंद केजरीवाल ने किया था, और दिल्ली सरकार के तमाम नेताओं ने किया था, और इस फैसले को कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जीत के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं टकराव जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और कल ऐतिहासिक फैसला आया है, कल दिल्ली सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं बातें कही है, वहीं आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कोर्ट की अवमानना कर रही है, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। और दिल्ली सरकार कोर्ट पहुंच चुकी है, और सबसे खास बात है कि कोर्ट भी इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अब अगले हफ्ते जब बेंच का गठन होगा तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला देती है, क्योंकि जिस तरीके से कल की अगर हम बात करें तो कल एक तरीके से दिल्ली सरकार की बड़ी जीत हुई थी, और ऐसे में दिल्ली सरकार ने जब इतना बड़ा आरोप कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर लगाया है कि अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करने दे रही है केंद्र सरकार, क्योंकि कल ही जो दिल्ली सरकार है वो एक्शन में नजर आ रही थी, और कहीं ना कहीं कई लोगों कई अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई थी। ऐसे में आज पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। अब देखना होगा कि जब अगले हफ्ते बेंच का गठन होता है और सुनवाई होती है तो क्या कुछ दलीलें दिल्ली सरकार की ओर से दी जाती है, और खासतौर पर केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है। बिल्कुल पीयूष, और पीयूष देखिए ये तस्वीरें अभी भी बता रही हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच किस तरह से तकरार है, मतभेद है लगातार। जब सुप्रीम कोर्ट का कल ऐतिहासिक फैसला आया तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई टिप्पणियां की कि किस तरह से दिल्ली सरकार का अधिकार है कि वो अपने शासन में किस तरह से दिल्ली की तस्वीर बदल सकता है, और जब आदर्श नीति क्या कहती है उसका भी जिक्र किया। लेकिन इन सब के बावजूद केंद्र सरकार का ये रुख किस तरफ किस ओर ले जाता है? देखिए अगर हम बात करें तो आमतौर पे दिल्ली के एलजी की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, खासतौर पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, टकराव की खबरें निकलकर सामने आती है, और खासतौर पे सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस तरीके की बातें पोस्ट की जाती है, एलजी की ओर से भी पोस्ट की जाती है या रही है पहले भी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी एलजी को लेकर पोस्ट की जाती रही है। सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय से ये विवाद चलता आ रहा है, और केंद्र सरकार बनाम दिल्ली विवाद 2018
2018 से ही सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को इस पर फैसला सुनाया था, लेकिन तब कोर्ट ने सर्विसेज यानी अधिकारियों के पर नियंत्रण को लेकर कुछ मुद्दे को आगे की सुनवाई के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद आप देखिए 14 फरवरी 2019 की बात करें, इस मुद्दे पर 2 जजों ने अपना फैसला दिया था, लेकिन दोनों ही जस्टिस एके सिकरी की बात करें या जस्टिस अशोक भूषण की बात करें, उनके फैसले जो है वो अलग अलग थे। जस्टिस एके सिकरी ने उस दौरान माना था कि दिल्ली सरकार को अपने यहाँ काम कर रहे अधिकारियों पर नियंत्रण मिलना चाहिए, हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जस्टिस अशोक भूषण ने उस दौरान अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, ऐसे में केंद्र से भेजे गए अधिकारियों पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण नहीं मिल सकता है। पूरा मामला लंबा चला और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इसके बाद पूरे इस मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया गया था। इसके बाद केंद्र ने 2021 में GNCTD अधिनियम में संशोधन कर दिया और संशोधन में ये कहा गया कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। इसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पर अरविंद केजरीवाल सरकार को आपत्ति थी और इसे आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। कल 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया और निश्चित रूप से सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि कुछ जो अधिकार हैं वो दिल्ली सरकार के पास भी है, LG की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती है। तो निश्चित रूप से कल दिल्ली सरकार के पक्ष में यूं कहे कि फैसला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, लेकिन कल फैसला आया और आज दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार ने दरवाजा खटखटाया है। अब अगले हफ्ते जब बेंच का गठन होगा तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है और खासतौर पर दलीलें क्या कुछ दिल्ली सरकार की ओर से और खासतौर पर केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।